गुड मॉर्निंग कक्षा 3 हिंदी जानकारी के लिए पाठ है बाढ़। बाढ़ आप लोग जानते हैं, बाढ़ कब आता है, किस महीने में आता है? अगस्त सितंबर में बाढ़ आता है। हमारे लोग के यहाँ बाढ़ अगस्त सितंबर में आता है, इसलिए जानकारी के लिए बाढ़ दिया गया है। बाढ़ क्यों आता है, कैसे है, बाढ़ आने से क्या क्या लाभ है और क्या क्या हानियां हैं। हम जानते हैं कि बाढ़ का अर्थ किसी जमीनी क्षेत्र में बहुत अधिक वर्षा होने पर, बहुत अधिक पानी बरसने पर, इकट्ठा होने पर ही यह पानी बहता हुआ नीचे की तरफ आता है। बाढ़ का मुख्य कारण किसी क्षेत्र विशेष में अत्यधिक वर्षा का होना है। बहुत अधिक बारिश से नदियाँ, नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है और नदियों का पानी किनारे और बांधों को तोड़कर बाढ़ का रूप ले लेता है। समुद्र के निकट के क्षेत्र में सुनामी या समुद्री तूफानों के कारण समुद्र की लहरें जमीनी क्षेत्रों को जल में डुबो देती हैं। अत्यधिक वर्षा के कारण निचले इलाकों में पानी की निकासी न होने के कारण यह पानी बाढ़ का रूप धारण कर लेता है। बाढ़ के कारण अनेक इंसानों और जानवरों को पानी में डूबने से मौत हो जाती है और किसानों की फसल नष्ट हो जाती है, कच्चे घर गिर जाते हैं और मवेशी मर जाते हैं। ये सब हमारे नुकसान होते हैं, लेकिन फायदे क्या होते हैं, और भी प्रदूषित कर जाती है, वातावरण को प्रदूषित कर जाती है, चारों तरफ गंदगी बिखेर देती है, फैला देती है। घरों व दुकानों आदि में पानी घुस जाने के कारण बहुत नुकसान होता है। बाढ़ के पानी में फसल भी डूब जाने के, अन्न की कमी हो जाती है और पशुओं के लिए चारे की कमी हो जाती है। बाढ़ के पीने के साफ पानी की भी कमी हो जाती है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में संक्रामक रोग भी फैल जाते हैं, मच्छर ज़्यादा आ जाते हैं। बाढ़ के कारण पेड़, बिजली के खंभे आदि गिर जाते हैं, जमीन से उखड़ जाते हैं और पुल और सड़कें टूटने के कारण बाढ़ पीड़ितों क्षेत्र में मदद मिलने के लिए दिक्कतें होती हैं। सूखा क्या होता है, जब बरसात ना होगा तो हम लोग किसान लोग क्या होते हैं, एकदम व्याकुल हो जाते हैं, उसमें कुछ फसलें नहीं होती। इसलिए सूखा क्या होता है, देखिए, जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक वर्षा न हो, वर्षा या हो बहुत कम हो या हो ही न, इस स्थिति में सूखा या अकाल कहते हैं, सूखा या अकाल कहते हैं। उस समय जमीनें फट जाती हैं। सूखे से प्रभावित क्षेत्र की खेती और यहाँ के पर्यावरण पर बहुत बुरा असर होता है। सूखे के कारण फसलों को पर्याप्त मात्रा पानी नहीं मिल पाता, जिसके कारण फसलें सूख जाती हैं। वर्षा न होने से जमीन में पानी बहुत नीचे चला जाता है, जिससे कुएं, नलकूप आदि भी पानी नहीं दे पाते। पर्याप्त मात्रा में अन्न पैदा न होने के कारण खाद्य पदार्थों की व्यापक कमी हो जाती है, जो भूखमरी का कारण बनती है। भूखमरी, जब अन्न नहीं रहेगा तो लोग क्या भूखे मरेंगे, पानी नहीं रहेगा तो क्या प्यासे भी मर सकते हैं। कुएं का स्तर बहुत नीचे चला जाता है, हैंडपम्प सूख जाते हैं, जलाशय सूख जाते हैं, तो हम लोग की विषम परिस्थिति में क्या करते हैं लोग, बहुत दूर से पानी लाया जाता है जहाँ पर पानी अधिक मात्रा में होती है और ऊपर होते हैं। सूखे के कारण पशुओं के लिए चारा भी उपलब्ध नहीं हो पाता, पशुओं की मृत्यु दर बढ़ने लगती है। पानी और भोजन की कमी के से शरीर में कुपोषण के कारण बढ़ोतरी, रोगों में बढ़ोतरी होती है और महामारी फैल जाती है। महामारी जैसे हैजा, तपेदी, चेचक आदि महामारी जानते हैं, जो एक क्षेत्र में एक ही रोग से, किसी विशेष क्षेत्र में एक रोग से बहुत लोग, अधिक लोग ग्रसित हो, उसे क्या कहते हैं, महामारी कहते हैं। महामारी जैसे हैजा, तपेदी, टाइफाइड,
ऐसे में देखिए महामारी, महामारी में तो ये तो बहुत क्षेत्र पूरे विश्व में फैला है, क्या है? कोरोना। थैंक यू।